स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और इस हमले की निंदा करते हुए झारखंड भवन के बाहर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरह से फांसीवाद हमला बताया जा रहा है जो स्वामी अग्निवेश पर हमला हुआ है। कई जगहों पर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है कि अलग सोच रखने वाले शख्स को या अलग सोच रखने वाली किसी भी एजेंसी या संस्था को कुचलने की यहाँ पर मोदी सरकार कोशिश कर रही है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्थाएं इस हमले का विरोध कर रही हैं और स्वामी अग्निवेश के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, ये आपका कौन सा मंच है और क्यों समर्थन कर रहे हैं आप अग्निवेश को? यहाँ हम नौजवान भारत सभा, दिशा छात्र संगठन और कई संगठनों से आए हैं यहाँ पर और हम स्वामी अग्निवेश के, देखिए बहुत सारे हो सकते हैं उनके निजी विचारों से हम सहमत ना हो, लेकिन अभी यह है कि जो उनका एक जनवादी अधिकार है कि कोई भी अपनी बात तो कह सके, कई बार कोई भी सरकार की नीति की आलोचना कर सकता है, वो अपनी कोई बात कह सकता है। अभी इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है लगातार देश के अंदर कि कोई अपनी बात भी नहीं कह सकता, बात कह रहे तो उसको मार पीटा जाता है, हत्याएँ कर दी जाती हैं। तो इस तरह का जो पूरा एक माहौल बन रहा है इसका तो विरोध बहुत ज़रूरी है और इसको हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक अप्रत्यक्ष रूप से एक समर्थन भी होता है। इस तरह की जो मॉब लिंचिंग हो रही है लगातार देश में, घटनाएं बढ़ रही हैं, उसकी एक समर्थन होता है ताकि वो लोग कर रहे हैं लगातार। और इसमें को कह रहे हैं कि वो भीड़ थी, भीड़ नहीं थी, वो साफ साफ आया है कि वो इनके युवा मोर्चे, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के और कुछ इन्हीं के लोग थे सीधे सीधे। तो ऐसी घटनाओं का विरोध हम लोग कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि अरे ऐसी घटनाएं जो करने वाले हैं उनके खिलाफ जहां तक भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा उतरेंगे हम लोग। तो इस प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं, आपको लगता नहीं है कि चुनावों के मद्देनजर इस तरह की वारदात से एक प्रमुख पार्टी को लीड मिल सकती है? वो चाहते हैं कि आप इस तरह से इस मुद्दे को उछालें, प्रोटेस्ट करें और ये मुद्दा बने ताकि पोलराइजेशन हो सके। देखिए, पोलराइजेशन इस देश के अंदर पिछले 4.5 साल में जिस तीव्र गति से हुआ है वो आज हम सबके सामने है। अखलाक से लेकर अभी हापुड़ की जो लिंचिंग हुई है जिसके अंदर ये पता चल रहा है कि अभी पुलिस जानबूझ के वो दबाने की कोशिश कर रही है, वहाँ पे पुलिस के दो अफसरान दिख रहे हैं, वो फोटोज घूम रही है। ध्रुवीकरण का काम इस समय सबसे खुले तौर पर RSS नागपुर से, जो उनका अड्डा है, वहाँ पे हेडक्वार्टर है, वहाँ से भाजपा सरकार लगातार करती आ रही है। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक नागरिक होने के नाते, एक छात्र होने के नाते हमारा देश का संविधान ये कहता है कि सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन ये सरकार सबसे पहले उसी चीज़ पे हमला कर रही है कि अगर आपका सुर हमारे सुर से नहीं मिलता, यानी कि अगर आप जय मोदी जय अमित शाह नहीं करते हैं, अगर आप मोदी सरकार मुर्दाबाद कहते हैं, तो बस आपको गोली लाठी या फिर आपको सड़क पर भीड़ से पटवा के मार दिया जाएगा। बार बार बोला जा रहा है भीड़ है भीड़ है, ये कौन लोग हैं? ये 7 या 8 कुछ गुंडे होते हैं जो सड़क पर आते हैं और लोगों की हत्या करके चले जाते हैं और उसके बाद वो वीडियो वायरल होता है, व्हाट्सएप पे लोग उसको देखते हैं और ये सोचते हैं कि उस समय किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई। हम यहाँ पे उसी के खिलाफ खड़े हुए हैं कि अगर वो 8 या 10 लड़के आकर किसी की हत्या कर सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं, तो हम लोगों की अभी आत्मा मरी नहीं है। इस देश के नागरिक अभी जिंदा है, भगत सिंह के विचार अभी जिंदा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि जब इस तरह का कुछ भी आप अपने सामने देखें तो धर्म और जाति के नाम पर बटने से पहले ये सोचिए कि इंसानियत आपकी जिंदा है या नहीं, आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो इस तरह की हत्याएं जो है नॉर्म बन जाती हैं। इस तरह की हत्याएं, जैसे अभी शशि थरूर के बयान पे बहुत ज्यादा चिल्लाया जा रहा है और निवेश तक ही सीमित रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि जो उन्होंने मुद्दे उठाए वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से सीधे हुए जुड़े हुए थे? लोगों का गुस्सा उनके ऊपर लाजमी था, कश्मीर का चाहे मसला हो या फिर धार्मिक भावनाएं, अमरनाथ यात्रा को पाखंड बताना हो। देखिए, हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र जिसका निर्माण अभी भाजपा सरकार कर रही है, उसमें यह है कि किसी भी बात पे आप सवाल मत उठाइए। स्वामी अग्निवेश ने जिन मुद्दों पे भाजपा सरकार का जो है उनका क्रिटिसिज्म किया है, उनकी आलोचना की है, उनमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके अंदर यूपी सरकार की एकदम तीखी उन्होंने आलोचना की है, यानी कि आदित्यनाथ सरकार की तीखी आलोचना की है। शराबबंदी के दौरान लेकर जितनी चीज़ें हुई हैं, या महिला भ्रूण हत्या होती है, या गौरक्षकों के द्वारा जो पूरा आतंक फैलाया जाता है, बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, ये सब वो मुद्दे हैं जो वो उठा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को पाखंड कहना नहीं कहना, अब जैसे ये किसी एक मुद्दे को पकड़ के उस पूरे इशू को डायल्यूट करने वाली बात हो जाती है। ये हो सकता है स्वामी अग्निवेश का अपना निजी एक मत हो, उनका एक विचार हो। हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग अभी स्वामी अग्निवेश के विचारों के लिए यहाँ नहीं खड़े, हम लोग संविधान के और अपनी देश के उस विचार के लिए पे खड़े हैं जो कहता है कि हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, ये हमारा संविधान हमें देता है। तो स्वामी अग्निवेश इस देश के एक नागरिक है, एक वृद्ध है, वो हिंदू संत है, उनके अपने क्या विचार है वो एक अलग बात है। हम यहाँ जिस तरीके से खड़े हुए हैं, हम यही कह रहे हैं कि हर इंसान अपनी बात कह सके खुले तौर पे, इसके लिए हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। तो जाहिर तौर पर अग्निवेश के वही विचारों की खिलाफत भी इस तरह के जो युवा संगठन हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए और अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी अलग सोच रखने की आज़ादी तक नहीं है तो कैसे राष्ट्र समृद्ध और संपन्न बन सकता है। कैमरामैन शूरवीर के साथ तरुण कलरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।